सुप्रभात बच्चों, देखो मैंने आपको कक्षा 8 का कल कबीर की साथियां पाठ पढ़ाया था। जो कबीर के दोहे हैं उन्हें मैंने बताया था। कबीर के दोहों में कबीर दाजी ने क्या कहा? कबीर दाजी ने पाखंड को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया अपने दोहों में। ये लोग पाखंड करते हैं, ईश्वर की भक्ति का पाखंड करते हैं, हर प्रकार के पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, उनको उन्होंने अपने दोहों में बताया। और समाज में फैली कुरीतियों को, समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जो क्या है बुराइयां हैं, उनको अपने दोहों में उन्होंने बताया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार मैंने कल आपको दो दोहे करवा दिए थे। आपकी किताब है ये बसंत किताब, इसमें आपके कबीर की साखियां पाठ नौ, ठीक है, दो दोहे करवा दिए थे। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहे तो यहाँ। ये करवा दिया था। आवत गाली एक है उल्टे हो रही है, वह कभी भी नहीं उलटी है वही एक ही। इन दो दोहे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं तीसरा दोहा आपको करवा दी। अब तीसरा दोहा है, देखो आप सभी अपनी किताब में से उतारो। माला को करने फिरे, माला को करने फिरे, माला को करने फिरे जीव फिरे मुखमा, जीव फिरे मुखमानी, मुखमान मनुआ तो दस चमु दिस फिरे, मनुआ तो चमु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाम, यह तो सुमिरन नाम। ये कबीर दादी का तीसरा साथी है। साथियां था दो है, साथियां दो को कहते हैं। इस दोहे में भी कबीर दादी ने क्या बताया है? लोगों के आडंबर को, पाखंड को दर्शाया है कि लोग करते क्या है और कहते क्या है। लोगों के एकदम विचारों में अलग अलग होता है, मुंह से कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, एक बार बता देती हूँ। माला को करने फिरे, लोग जो होते हैं ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं, माला लेते हैं और हाथ और हाथ में माला को फेरते रहते हैं और राम 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 करते रहते हैं। जीव फिरे मुख मान, हाथ में तो माला होती है उनके मनकों की माला, और मुंह में क्या होती है, जीव, और जीव में राम 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 करते रहते हैं। यानी हाथ का भी दिखावा कर रहे हैं, मुंह का भी दिखावा कर रहे हैं। मनवा तो चहुदिश फिरे, लेकिन उनका मन क्या करता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। उनका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं होता, कहाँ होता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता। अब मेरे को ये करना है, इसके साथ ये करना है, अब तो स्वार्थ होता है। मन क्या होता है, स्वार्थी होता है, मन में ये भरा होता है अब मेरे को क्या क्या करना है। तो यह तो सुमिरन नाही, अर्थात कबीर दास जी कहते हैं ये ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती, ये क्या होता है, सिर्फ पाखंड होता है, दिखावा होता है। ये अपने इसमें कबीर दास जी ने कहा। अब मैं इसको आपके पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। अब देखो कर माला को करने के लिए, कर माने क्या होता है, हाँ माला, माला क्या होती है, जो हम फेरते हैं। एक तो माला फूलों की होती है, एक माला क्या होती है, मनकों की माला, जो जिससे लोग पूजा करते हैं, तो कहते हैं मनकों की माला, ठीक है। जीव, जीव का मतलब होता है जीव, अर्थात जी, ठीक है। मुख, मुख बने मुंह, मुख मुख बने मुंह, मुख अर्थात मुंह,
मनुरा मनुरा माने मन मनुरा तथा मन चहु दिशि चहु दिशि अर्थात चारों दिशाओं में चहु माने चारों दिशाओं सभी दिशाओं चारों दिशाओं चार दिशाएं कही जाती है तो चारों दिशाओं में उनका क्या मन फिरता रहता है घूमता रहता है जिससे कि सच्ची भक्ति में मन नहीं होता आगे या तो सुमिरन नहीं सुमिरन अर्थात ईश्वर का स्मरण ईश्वर का स्मरण ईश्वर को याद करना या ईश्वर को याद करना ही होता है इसके अनुसार अभिप्राय जी के अनुसार ठीक है। अब आप इनको देख लो पहले दोहा लिखा आपने दोहा लिखने के बाद आप पहले शब्दार्थ करो शब्दार्थ आपको चारों पता लग जाएंगे कर माने हाँ माला माने मनकों की माला जी भी अर्थात जी मुख माने मुख मनुआ मन मन चहु दिशि चार दिशाओं में सुमिरन अर्थात ईश्वर का स्मरण ये लिख लो पहले आप फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा ठीक है। अब देखो दोहा पूरा अच्छा करो दोहा सच्चे में दो होते हैं दो दो लाइन के यहाँ पूरे लिखा अब देखो अब दोहा देखो पहले हम दोहा है इसका लिखेंगे हम प्रसंग क्या लिखेंगे प्रसंग प्रस्तुत साखी में अब इनको साखी है साखी अर्थात दोहा लिखो दोहा कबीर दास जी द्वारा रचित कबीर दास जी द्वारा रचित पाठ इसके है कबीर की साखियां कबीर की साखी गई है रचित का मतलब रचने वाला यानी एक किला में आ गया ये कबीर दास जी द्वारा रचा गया इसके कवि कौन है कबीर दास ठीक है। अब बताओगे आप इसमें कबीर दास जी ने क्या कहा कोई भी कवि होता है प्रसंग में हम उसको संक्षेप में बताते हैं कि इसमें कवि क्या कह रहा है अब इस दोहे में कबीर दास जी ने क्या बताया है आलंबन और पाखंड को दर्शाया कि व्यक्तियों में आलंबन और हर प्रकार का पाखंड अर्थात दिखावा होता है आडम्बर दिखावा होता है इसी बंदे के कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है इस दोहे में कबीर दास जी ने आडम्बर व पाखंड के बारे में बताया है कि मनुष्य क्या करता है मनुष्य ईश्वर की भक्ति का सिर्फ दिखावा करता है ईश्वर की भक्ति का दिखावा करता है वाले बताए कि मनुष्य को सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए सच्चे मन से ईश्वर की
भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लो। मैं एक बार बता देती हूँ, प्रसंग का मतलब होता है ये किसने रचा, किसने कही है ये कविता, दोहा जो भी है। प्रस्तुत साथी अर्थात दोहा कबीर दास द्वारा रचित पाठ कबीर की साथियां इन्वर्टेड कॉमा कर रहे थे, पाठ का नाम है, फिर ली गई है या अवतरित भी लिख सकते हो। ठीक है, इस दोहे में कबीर दास जी ने आडंबर का पाखंड के बारे में बताया है कि मनुष्य को सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, जो आजकल लोग अधिकतर करते। ठीक है, किसने कहा ये? कबीरदास जी ने। अब कबीरदास जी ये तो उन्होंने प्रसंग में कह दिया, अब देखो अब भावार्थ में लिखोगे पूरा दोहे का अर्थ। भावार्थ में क्या लिखोगे? पूरा दोहे का अर्थ लिखो। पावा व्याख्या या सलाह यही चीज है। प्रस्तुत दोहे में दोहे लिख दो, साथी लिख दो, एक बात कबीर दास जी क्या करते हैं प्रस्तुत दोहे में? कबीर दास जी कह रहे कि जो मनुष्य भक्ति का दिखावा करता है, ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर की भक्ति कई तरीके की होती है, यहाँ ईश्वर की भक्ति के बारे में कहा गया है। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं वो क्या करते हैं? ईश्वर को सच्चे मन से सुंदर नहीं करते, अर्थात याद नहीं करते। जो मनुष्य क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं कबीर दास जी ने उनके आचरण पर प्रहार किया है, उनके आचरण पर क्या किया है? प्रहार किया। अब देखो कैसे प्रहार किया है। माला तो करने के ऐसे व्यक्ति हाथ में तो माला, हाथ में मणकों की माला लेकर, मणकों की माला लेकर और पूजा करते हैं और अपने मुख से, अपने मुख के अंदर जीभ से, मुख आ गया ना, जीभ के लिए रूप मान, यानी मुख के अंदर जो जीभ है, अपने मुख के अंदर जीभ से राम राम करते रहते हैं। क्या
क्या करते रहते हैं, आंख की माला ले लेते हैं और दिखावे के लिए मुंह से मुंह का काम करते रहते हैं। अब क्या होता है उनका मनवा तो चंद्र, उनका जो मन होता है वो चारों दिशाओं में घूमते रहता है। वो व्यक्ति इस प्रकार का आडंबर करते हैं, आडंबर करते हैं क्योंकि उनका मन क्योंकि उनका मन तो चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में भटकता रहता है, चारों दिशाओं में भटकता रहता है। चारों दिशा में जब मन भटकेगा तो आदमी कुछ और ही सोचेगा, वो ईश्वर के बारे में नहीं सोचेगा, अर्थात उसके मन में कुछ और होता है, अर्थात अर्थात व्यक्ति के मन में कुछ और होता है। और कबीर दास के अनुसार यह तो सुमिरन नहीं, अर्थात यह कुछ और होता है और यह ईश्वर की शक्ति भक्ति नहीं है और यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती। अर्थात कबीर दास जी ने क्या दर्शा है, जीवन में मनुष्यों के अर्थात ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना क्या होता सच्ची भक्ति नहीं होती। जब तक ईश्वर पे ध्यान नहीं करोगे तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। केंद्रित के बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं होती। भक्ति संभव नहीं होती, ठीक है। जब तक हम ईश्वर पे पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होगी, असली भक्ति नहीं होगी। कि हम हाथ में माला ले रहे हैं, राम राम कर रहे हैं और हमारा मन क्या है, हाथ में ये करना है, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें अपने काम पूरे करने हैं, तो अधूरी भक्ति होती है। तो इसका ये पूरा
इस गोहे का पूरा अर्थ हो गया, ठीक है। इस गोहे का अर्थ आपने लिख लिया होगा। अब अगला दोहा देखो, अगला चौथा दोहा देखो। किताब में देखो, तुम्हें किताब में देखो, चौथा दोहा है कबीर भाषण नील। चौथा कबीर भाषण नील तो जो पाऊ कही हो, जो पाऊ कही हो, ठीक है, उड़ी पड़े जब आंख में, उड़ी पड़े जब आंख में, आंख में खरी दुहेली हो, खरी दुहेली हो, हमें छोटे बड़े के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कमजोर है, वो शक्तिशाली है, मैं नीचा हूँ, वो ऊंचा है, ऐसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देता है, अर्थात किसी को कमजोर समझकर नहीं चलना चाहिए। ये कविता जी ने कहा। अब पहले आप इसके शब्दार्थ लिख लोगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब शब्दार्थ लिखो। अब देखो, कबीर घास में नहीं दिए, घास माने तिनका, घास माने क्या होता है, तिनका, जब घास होती है सूख जाती है तो तिनके का रूप ले लेती है, ठीक है। अगर तिनका हमारी आंख में गिर जाए तो हमें कितना कष्ट होता है, 10 लोगों से निकलवाते हैं आंख भी फूट जाती है, फूट जाती है, आंख खराब हो सकती है जरा सी घास से। नींद ये यही निंदा करना, नींद ये अर्थात निंदा करना, ठीक है, देखते जाओ। नींद ये निंदा करना। आगे लिखो, पाऊ माने पैर, जो पाऊ तली, पाऊ माने पैर, पाव तली बाकी पैर, उसको पाव भी बोलते हैं, ठीक है। तली, तली माने नीचे, तली अर्थात नीचे, ठीक है, तली माने नीचे। अब आगे देखो, उड़े माने उड़कर, उड़ी उड़ी पड़े, उड़ी माने उड़कर, पड़ी माने पढ़ना, इधर देखो, पढ़ी अर्थात पढ़ना, आंख में उड़ी पड़े यानी उड़कर आंख में पड़ जाए। ठीक है, आगे आगे दोहा पढ़ते जाओ। अब आ गया आंख, पता ही है सबको आंख क्या होता है, नेत्र, नैन और नेत्र, दुहेली, दुहेली माने कष्टदायक, दुहेली का मतलब क्या होता है,
plus 2 by लिया। अब आपने लिख लिया होगा, अब आगे मैं करवा दूंगा। देखो घास माने तिनका, नीचे माने नींदा करना, पांव माने पैर पांव, तली माने नीचे, उड़ी माने उड़कर, पड़ी माने पढ़ना, घेर माने कष्टदायक। अब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रसंग भावार करवा दूं। पहले प्रसंग में वही चीज लिखोगे, प्रस्तुत साथी या प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित पाठ कबीर की साथिया साथिया से ली गई। ठीक है, इसमें कभी दादी ने क्या बताया, हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देता है। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हमें किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझकर, तुच्छ माने नीचा, तुच्छ उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तुच्छ माने हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए। सभी नीचे हैं, सभी हमारे समान हैं। कमजोर व्यक्ति जिसको हम समझ रहे हैं वो हमसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है और होता है। ठीक है, आज इसका भावार्थ लिखोगे। प्रसंग मैंने छोटे रूप में बता दिया। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास ना लीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें दास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमें दास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दुभाष क्या होती है, सिर पे नहीं होती, हमेशा पैरों के तले कुचली जाती है। अर्थात तो कह रहे, ये तो पैरों के तले कुचलने वाली चीज है, ये सबसे बुरी चीज है, परंतु घास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसी प्रकार कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह पैरों तले कुचली जाती हो। भले ही पैर उतले उचली जाती, पहली लाइन का है। कभी घास ना लीजिए,
जो पारंपरिक हो। कबीरदास जी कहते हैं घास के मैदान पर चाहिए जो पांव के तले होती है, पैरों के तले जो कुछ भी जाती है, परंतु यदि उसी घास का कोई टुकड़ा, परंतु यदि उसी घास का कोई टुकड़ा मेरी आंख में पड़ जाए, घास का कोई टुकड़ा, ड्राई करने का मतलब तिनका, घास का टुकड़ा क्या होगा, तिनका होगा, बुढ़ेगा जो सूख जाएगा तिनका होगा, कीड़ा हो जाएगा, जब पैर में चुभ जाएगा तिनका जो आंख में चल जाए कहीं भी वो कष्ट आए होता है। कोई टुकड़ा जब आंख में पड़ जाता है, इधर कभी कभी आंख में था तो आंख में, जब आंख में पड़ जाता है अर्थात गिर जाता है, पड़ जाता है, तो बहुत ही कष्टदायक होता है, तो बहुत ही कष्टदायक होता है। अर्थात अर्थात कभी कबीर दादी क्या कहते हैं, मनुष्य को जब तक चैन नहीं आता तब तक कोई तिनका निकाल नहीं देता, इंद्रिया ना मनुष्य को जब तक चैन नहीं होता मनुष्य को तब तक चैन नहीं आता आता तो जब तक उसे कोई निकाल नहीं देता, जब तक आंख में से तिनका आंख में से तिनका कोई निकाल नहीं देता है, तब तक हम भागते फिरते हैं, दिखाई भी नहीं देता, निकाल नहीं देता। तो इसका क्या हमें अर्थात लिखना, कोई भी चीज होती है उसको हम क्या लिखते हैं, जब तक हमें अर्थात नहीं लिखते तब तक वो पूरा नहीं होता। अर्थात व्यक्ति को कभी किसी को छोटा या कुछ नहीं समझना चाहिए, छोटा या कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निर्बल व्यक्ति ही अपनी शक्ति दिखाकर अपनी शक्ति दिखाकर शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकता है, अपनी शक्ति दिखाकर शक्तिशाली व्यक्ति को हरा देता है या पराजित कर देता है। कर देता है। अब देखो ये आपका ये दो दोहे मैंने ऐसे करवाए हैं, इनको एक आपको समझ लो, जो पहला दोहा था इसको पहले वाला करवाया, किताब में देखो
माला तो कर दे गिरे जीव फिरे रूप माही एकर द्वार संभाले की मन बात हो जब दिस फिरे गया तो सुमिरन ना है किताब खोल के बैठो किताब है इसमें आपका तीसरा जो है दो मैंने करवा दिए थे तीसरा जो है तो कबीरदास जी क्या कहते हैं व्यक्ति जो होता है ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं। आजकल कोई भी ईश्वर की सच्ची भक्ति मन से नहीं करता, सिर्फ आडंबर भक्ति का आडंबर करते हैं। कई मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में अपने स्वार्थ के लिए, कई गुरुद्वारे में चले जाते हैं, उनमें भक्ति नहीं होती, सिर्फ ये मेरा काम हो गया, ये काम हो गया, उन्हें दिखावा होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, हाथ में तो माला, उनके हाथ में तो मनमोहन की माला होती है और जीव में राम 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 ये ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, ठीक है। और मनवा तो चहु दिश दहु दिश फिरे, मनवा तो दहु दिश फिरे चार दिशाओं में, चहु दिश यानी दहु दिश यानी दसों दिशाओं में, दहु दिश का मतलब दसों दिशाओं पर हुआ, चहु दिश भी या दहु दहु दिश, चहु दिश का मतलब चार दिशाओं, दहु दिश यानी दसों दिशाओं फिरता रहता है और यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं इसे ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कहते, इसे केवल आडंबर कहते, आडंबर यानी पाखंड दिखावा होते है ना। चलो अब कबीरदास जी के अनुसार अब देखो दूसरा देखो, कबीरदास जी कबीर घासना नहीं दिए जो पाऊ तरी हो, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दूरी भी हो। कबीरदास जी कहते हैं तुम्हें सारा तमाशा कहते इसमें कि हमें कभी भी तुच्छ समझकर किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने को शक्तिशाली समझकर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि निर्बल व्यक्ति होता है वो भी अपनी शक्ति दिखाकर उसका घमंड दूर कर देता है। और इधर मैंने एग्जांपल किसका दिया है, घास का, घास जो सबसे तुच्छ कही जाती है, घास जो होता है सिर्फ पैरों के नीचे ही उछली जाती है, लोग तो या तो उस पर चलते हैं या उस पर बैठते हैं, उसको सिर पे कोई नहीं लगाता, ताज नहीं बनाता, सबसे तुच्छ मानते लोग उसको, परंतु वो सबसे शक्तिशाली होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा अर्थात आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भले ही घास पैरों तले कुचली जाती है, भले ही घास पैरों तले कुचली जाती हो, परंतु हमें कभी भी उसकी बुराई नहीं, निंदा छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? परंतु यदि उसी घास का कोई टुकड़ा सूख कर जब तिनका आंधी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं तो ये आंख में क्या तिनके आ जाते हैं, आंखों में चले जाते हैं, हमारी आंख लाल हो जाती है, कोई निकालने वाला नहीं होता, जब तक उस तिनके को कोई निकाल नहीं देता व्यक्ति को चैन नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता, इधर उधर भागता फिरता है। तो कबीरदास जी कहते हैं परंतु यदि उसी घास का कोई टुकड़ा आता है तिनका जब आंख में पड़ जाता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है, इससे बड़ा कष्ट और कोई भी होता, ठीक है, वो तिनका तो स्वयं निकल ही नहीं सकता, आंख का तिनका तो जो कोई दूसरा निकालेगा जब निकलेगा, अर्थात एक कमजोर व्यक्ति ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को हरा दिया, इसी प्रकार हरा देते हैं। अर्थात मनुष्य को जब तक आंख में तिनका कोई नहीं निकालता, अर्थात व्यक्ति को कभी भी छोटा या कुछ नहीं समझना चाहिए, व्यक्ति को कभी भी दूसरे को छोटा या कुछ नहीं समझना चाहिए, ठीक है, कुछ माने नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निर्बल व्यक्ति जो भाषा निर्बल कही जाती है, कमजोर कही जाती है, निर्बल व्यक्ति भी अपनी शक्ति दिखाकर शक्तिशाली व्यक्ति को पराजित कर देता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको ये दो पाठ दो कल करवाए थे और भाग दो में मैंने दो आज करवाए हैं, और कल आपको मैं अगले अध्याय में अगले बाद में भारती में जो इस इलाका आपका कितने हैं, एक दो तीन छह है शायद पांच है चार करवा दिए, और जो पांचवा है मैंने कल आपको करवाऊंगी, कल इसका अर्थ शब्दार्थ और इसके क्या करवाऊंगी विशेष, इसका जो विशेष है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। विशेष में क्या होता है, विशेष में कविता के बारे में होता है, कविता में
क्या कहा गया है और किसके बारे में इसमें अलंकार कौन सा है, छंद है, क्या है, तो ये कहा जाता है। तो बाकी मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।